अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस वक्त ब्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। रात का टाइम है, तकरीबन 9:30 बजे हुए हैं। तो आप सबको, सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को, तमाम मुसलमानों को जहाँ जहाँ दुनिया में है, सबको बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी की मुबारक हो, जश्न आमद रसूल सबको मुबारक हो। लोगों ने अपने घरों में, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चरागाह कर दिया हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम पे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सबकी परेशानियों, सबकी तकलीफ़ों को, बीमारियों को दूर फरमाए और सब जो है वो इस बाबरकत महीने में इबादत करें, दुआएँ मांगे अल्लाह ताला से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। जश्न आमद रसूल, रबीउल अव्वल की आमद के साथ साथ माशाल्लाह लोगों ने चरागाह किया अपने घरों में। ये देखें, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये हमारी बिल्लियां भी इस वक्त बाहर बैठी हुई हैं सोने की तैयारी में। ये वो बच्चा है बैठा हुआ, ये उसकी मम्मा है, ये दोनों बैठे हुए हैं। का नाम हमने रखा हुआ है गूगल। गूगल अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, 9:30 बजे हैं, अभी उठे हैं, थोड़ी देर पहले फ्रेश हुए हैं और अब नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको भी शेयर करते हैं हमारा नाश्ता, हम सिंपल सा और सादा सा क्या नाश्ता करते हैं। ब्रेड है, चाय, दही, मक्खन और जैम। तो आज हमारा भी फ्रिज दो दिन से, बल्कि कल से ख़राब हुआ हुआ था, कूलिंग नहीं कर रहा था। फ्रीज़र ऊपर वाला पोर्शन कूलिंग कर रहा था, नीचे वाले में बिल्कुल कूलिंग नहीं थी। तो कल जो टेक्नीशियन है उनको बुलाया था, तो वो आज सुबह का टाइम दे के गए थे और अभी 12:30 बजे, तो अभी आए हैं। हमने सारा फ्रिज को खाली करके, सब कुछ खाली करके, बंद करके किया हुआ था, वो अभी आए हैं मेंटेनेंस को सही करने के लिए। ये आपको भी दिखाते हैं कि हमारे फ्रिज, इकबाल भाई कितना टाइम लगेगा इसमें? आपकी मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ये आपकी मैं पोस्ट करूँगा आपकी वीडियो भी आज यूट्यूब पे। इसको जल्दी जल्दी सही काम कर रही है। देखिए, हमने सुबह से खाली करके जो है ना 9:00 बजे से रखा हुआ है इसको बंद करके। ये सारा रिपेयरिंग का सामान इकबाल भाई ने जमा किया हुआ है, सिलेंडर। इकबाल भाई, मेरे ख्याल में पहले आप वो टांका लगाएंगे जो लीक हुआ है जहाँ से गैस। गैस भरी जा रही है, कितनी गैस, कितने इसमें डलती है? डेढ़ पाउंड। डेढ़ पाउंड,
अच्छा इसमें और जो दूसरे वो जैसे गाड़ी में जलती है गैस, उसमें फर्क होता है? सब में एक सेम ही होती है? एसी में जो डलती है, एसी की अलग होती है? अच्छा, गाड़ी की और ये फ्रिज की एक होती है, एसी में जो डलती है वो दूसरी है। ये दोस्तों की तकरीबन 2 से 2.5 घंटे फ्रिज की सारी रिपेयरिंग में लगे हैं, और अभी ये हमारे एक बाल भाई जो है ना, ये हमें जो ना इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए हैं। अभी 5,000 रुपये से कह रहे हैं कम नहीं होंगे। ये इसमें गैस डाली है सिर्फ इन्होंने थोड़ी सी, तो ये बहरहाल महंगाई इतनी हो गई है। अब ये गैस भी जो है वो 5,000 रुपये में जो है ना वो रिफिलिंग हो रही है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए, करम फरमाए।